मैं विधायक जी के प्रति, अन्य लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और अपने बहुमूल्य समय में से निकालकर इस महाविद्यालय के लिए भी इतना कष्ट किया, यह हमारे लिए गौरव की बात। महोदय से अपने समस्याओं को रखेंगे, जहाँ इनकी मदद होगी वहाँ हम मिलेंगे। तो और जहाँ तक सर है, वो एक्चुअली अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, जिसमें कुछ कॉलेज और पूरे यूनिवर्सिटी की स्थिति में डमाडोल हो जाती है। वो एक पॉइंट है जो आप लोग चर्चा में भी कहीं कर सकते हैं, हम लोग की बात तो कहीं नहीं सुनी जाएगी। वो है कि इधर पिछले 5 वर्षों से, जिस समय जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक डिसीजन ले लिया कि छात्राओं को, किसी भी जाति से आते हों और BC1 का और SC ST का, इन लोगों को कोई फीस देनी ही कॉलेज में नहीं। हाँ, उसके बदले में सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि उसकी भरपाई हम करेंगे। तो वास्तविकता यह है कि हम लोगों को तो लाचारी सरकार के द्वारा लिया गया फैसला है, उसको अमल करना, उसके अनुसार व्यवहार करना हमारा दायित्व होता है, कर्तव्य होता है। लेकिन इसमें कॉलेज का जो इंटरनल आमदनी है वो लगभग 30% पर सिमट गया है। 70% में छात्राएं और जो हमने वर्णन किया BC1 और SC ST, वैसे छात्र की संख्या लगभग 70% हो जाता है। 30% ही जो जनरल छात्र हैं, उसी के आमदनी से कॉलेज का थोड़ा थोड़ा काम हो सकता है। तो ये आज के समय में एक परेशानी हो गई है। और हम लोग तो कुछ 30% भी हैं, कल्पना किया जाए कि जो महिला कॉलेज है उसके यहाँ तो झाड़ू खरीदने तक का पैसा नहीं है। और दो बातें और आप भी अवगत होंगे इस बात से कि 12 ईस्वी से 17 ईस्वी तक मैं इसी महाविद्यालय में प्राचार्य था, तो उस समय दो और हम लोगों को सोर्स था। एक UGC का, वो टाइम टू टाइम कॉलेज के डेवलपमेंट के लिए कुछ न कुछ पैसा देते रहता था, और एक और बना था नियम इसी सरकार के द्वारा, डॉक्टर सीताराम सिंह उस समय थे डायरेक्टर हायर एजुकेशन, उन्होंने किया था कि पूरे बिहार के जितने कॉलेज हैं दबे कुचले, अगर वो अप्लाई करते हैं तो, मतलब वो अपना प्रस्ताव भेजते हैं, हमसे डिमांड करते हैं, तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में उस काट छाँट करके बहुत से कॉलेजों को, किसी को 25 लाख, किसी को 40 लाख, किसी को 50 लाख।